नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो कंपोनेंट देख रहे हैं, ये है एक नर्लिंग हेडेड बोल्ट। इस कंपोनेंट को आपने मेरे साथ पहले भी कई सॉफ्टवेयर्स में बनाया है, इन्वेंटर पर, केटिया पर, एनएक्स पर और क्रियो पैरामेट्रिक पर। तो आज हम इसे बनाएंगे ऑटोकैड 3D पर। देखिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला है ये नर्लिंग वाला पोर्शन, लेकिन देखिए बड़ी आसानी से ये इसमें बन जाएगा। तो चलिए हम इस कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज़ कर लेता हूँ। फाइल को क्लोज़ कर दिया मैंने। फाइल को क्लोज़ करने के बाद दोस्तों, ये वो स्क्रीन है जो हमारे सामने आता है जब हम ऑटो कैड के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिए टेम्पलेट और ए कैड डॉट 3D, ओके, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो है वो 3D की फाइल ओपन होगी। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस हमें नज़र आ रहे हैं, ओके। अगर हमें ऑब्जेक्ट को घुमाना है, जैसा मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियोस में ये बताया है, घुमा कर देखना है, तो हम शिफ्ट बटन को पुश करेंगे और इधर से माउस पे स्क्रॉल बटन को पुश करेंगे, तो ये देखिए ऑर्बिट एक एक्टिव हो जाएगी। अब हम अगर कर्सर को इधर उधर हिलाते डुलाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम घुमा कर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस कॉम्पोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको भी बता दूँ कि यहाँ पर इस वक्त जो ये रिबन पैनल हमें नज़र आ रहा है, ये 3D मॉडलिंग का है। जनरली जब हम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो ये देखिए सेटिंग का जो आइकन है, इसे वैसे हम वर्क स्पेस स्विचिंग कहते हैं। यहाँ से ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, जनरली जो हम जब ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में हमें यही नज़र आता है, ये कमांड्स जो है हमें नज़र आती हैं 2D की। देखिए इसमें प्लेन वगैरह नहीं नज़र आ रहा, एक्सट्रूड कमांड वगैरह नहीं नज़र आ रही है। तो यहाँ से जब भी हमें 3D मॉडलिंग करनी हो तो यहाँ से ये 3D मॉडलिंग पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये चेंज हो जाएगा। अब हमें 3D की कमांड्स, प्लेन्स वगैरह सब नज़र आने लगेंगे। ये देखिए यहाँ से ये व्यूज़ हमें दिखाई दे रहे हैं, विजुअल स्टेट्स का जो है ये पैनल दिखाई दे रहा है, ये UCS का है, और यहाँ से ये एक्सट्रूड मॉडलिंग की कमांड्स हमें नज़र आ रही हैं, और ये सॉलिड एडिटिंग है, तो ये चेंज करने पर हमें मिलता है। तो चलिए अब हम कॉम्पोनेंट बनाते हैं। यहाँ से पहले तो मैं फ्रंट व्यू पर जाता हूँ। फ्रंट मैंने लिया और यहाँ से डाइस पर राइट क्लिक किया, पैरेलल पर क्लिक किया, इसे व्यू क्यूब कहते हैं वैसे हम, और अब इसे थोड़ा सा मूव करा के इस तरफ लेकर आते हैं कर्सर को, और सेंटर रेडियस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर भी क्लिक किया और एक वैल्यू देंगे यहाँ पर हम 8, 8 टाइप करके एंटर प्रेस किया। हमें जो सर्कल बनाना है उसका डायमीटर 16 है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक सर्कल और बनाते हैं। सर्कल सेंटर रेडियस, इसका जो डायमीटर है, रेडियस की वैल्यू है 5.5 यानी कि 11। अब एक सर्कल और बनाते हैं यहाँ से, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 7, और एक सर्कल और बनाते हैं, ये थोड़ा ऊपर बना लेते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू है 5। ये 4 सर्कल हमने बनाए। होम पर क्लिक किया, अननेम्ड पर क्लिक किया, WCS पर क्लिक किया। अब यहाँ से एक्सट्रूड, एक्सट्रूड पर क्लिक किया। ये जो 16 वाला डायमीटर है, इसको हमने लिया, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, पीछे की तरफ लेकर गए कर्सर को और यहाँ पे वैल्यू दे दी हमने 10, और एंटर प्रेस किया। फिर से गए एक्सट्रूड में, ये देखिए दूसरा हमने बनाया था 11 का, ये 5.5 रेडियस का है, एंटर प्रेस किया। सेलेक्ट करने के बाद इधर लेकर आए, इसको वैल्यू दे दी हमने 4 mm। अब हम लेकर आते हैं, फिर एक्सट्रूड पर क्लिक किया, यहाँ से ये देखिए ये सर्कल है, ये इसकी इसका डायमीटर 14 है, रेडियस की वैल्यू हमने 7 दी थी। इसको हम इस तरफ लेकर आते हैं, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी थिकनेस की 3। अब फिर से गए एक्सट्रूड पर और ये जो चौथा वाला सर्कल है, ये 5 रेडियस थी यानी डायमीटर इसका 10 है, इसका जो थिकनेस की वैल्यू है या जो इसकी हाइट है ये हो जाएगी 20, ओके। ये 4 हमने इस तरह से ये सिलेंडर बनाए। अब इसको हम देखिए कैसे, यहाँ से हमने मूव कमांड को यूज़ किया। पहले तो हम इसे उठाकर थोड़ा पीछे ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को पीछे ले गए। अब फिर से गए मूव में, ये रही मूव कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस किया, और ये देखिए यहाँ से पहले तो हम ये 5.5 वाले को उठाएंगे, ये देखिए पीछे वाले सेंटर से, सॉरी, मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस किया, फिर ये पीछे वाले सेंटर से उठाया इस ऑब्जेक्ट को और इसके आगे वाले सेंटर पर यहाँ पर ये देखिए रख दिया। फिर से गए मूव पर, इसके बाद ये जिसका डायमीटर 14 है इस सिलेंडर को उठाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एंटर प्रेस किया, पीछे वाले सेंटर से उठाया और यहाँ आगे वाले सेंटर पर ऐसे
ये देखिए ये रख दिया। इसके बाद इसकी बारी है अब, मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और ये देखिए पीछे वाले सेंटर से उठाया और ये आगे वाले सेंटर पर यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये देखिए इस तरह से ये बोल्ट वाला एक, इसे रिवॉल्व से भी बना सकते थे लेकिन मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लगता है। अब इसको यूनियन कर देते हैं, UNI टाइप करके एंटर प्रेस किया और पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम चैम्फर कर लेते हैं। चैम्फर के लिए ये देखिए सॉलिड में जाएंगे यहाँ से, और फिलेट एजेस के नीचे ये चैम्फर एजेस है। तो यहाँ पर देखिए लूप और डिस्टेंस दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो डिस्टेंस के लिए मैंने डी टाइप करके एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई डिस्टेंस 1 पूछा है यहाँ पर, अब देखिए मैसेज आ रहा है, मैंने 0.5 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब मैसेज आता है स्पेसिफाई डिस्टेंस 2, मैंने फिर से 0.5 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर ये जो एज है इस पर क्लिक किया, एंटर दो बार दबाया और बाहर आ गए। फिर गए चैम्फर एज पर क्लिक किया, और एक बार इसे और एक बार इसे, दोनों पर क्लिक किया। सेलेक्ट होने के बाद दो बार एंटर दबाया, फिर से चैम्फर एजेस पर गए, आपकी इसे और इसे, दो बार एंटर दबाया, ये चैम्फर हो गया। अब इस पर हम थ्रेड बनाते हैं दोस्तों। थ्रेड बनाने के लिए हमें हेलिक्स बनाना होगा, तो पहले तो ड्रॉ पर गए, हेलिक्स कमांड को यूज़ करेंगे, हेलिक्स पर क्लिक किया। अब देखिए ये हमें ये फेस हाईलाइट होना चाहिए। ये फेस हाईलाइट होगा तो जो हेलिक्स बनेगा वो लेटा हुआ बनेगा, ना कि खड़ा हुआ बनेगा। तो इसके लिए ये हाईलाइट हो, इसके लिए हम ये डायनामिक यूसीएस जो है इसे ऑन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो हम 3D मॉडल कभी भी नहीं बना पाएंगे, ये ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो F6 से ये ऑन ऑफ हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम 3D मॉडल बना रहे हैं ऑटोकैड में। तो ये देखिए इसे घुमाया, यहाँ से ये फेस जैसे ही हाईलाइट हुआ, इसके पेरिफेरी की तरफ कर्सर को लेकर गए, ये सेंटर मिला, सेंटर पर क्लिक कर दिया। अब देखिए हेलिक्स में अगला जो मैसेज आता है कमांड प्रॉम्प्ट पे वो है स्पेसिफाई बेस रेडियस, दे दी 5 mm। अब अगला मैसेज आता है स्पेसिफाई टॉप रेडियस, दे दी 5 mm। अब ये देखिए इस तरह से ये बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से इसे बाहर की तरफ लेकर आना है, हमें बाहर बनाना है। टर्न हाइट के लिए हम देंगे एच एंटर, और टर्न हाइट ले ली हमने 2। ये देखिए अब ये पिच, टर्न हाइट यानी कि पिच हो गया इसका हेलिक्स का। अब जो ओवरऑल हाइट है वो हम ले लेंगे इसकी, वो हो जाएगी 18। 18 टाइप करके एंटर प्रेस किया। हाइट देने के लिए कुछ और अल्फाबेटिकल कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, हाइट तो वो अपने आप ही ले लेता है, उस केवल वैल्यू देनी होती है। अब इस हेलिक्स पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया और इसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे ट्रैक करके, और वैल्यू दे देंगे यहाँ से 15 mm। मैं ये चाह रहा हूँ कि हेलिक्स जो है बाहर की तरफ 3 mm निकला रहे, क्योंकि जब हम लेथ पर थ्रेडिंग करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि वो थ्रेड के लिए ओपनिंग ज़रूर बने, तो यही हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे क्योंकि इधर हम पोर्शन एक चैम्फर कर चुके हैं। अब यहाँ से ये देखिए ये लिया मैंने सर्कल में सेंटर रेडियस, और ये जो नज़र आ रहा है हमें, ये देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं हम, ये बनाएंगे, इसकी रेडियस हो जाएगी 0.5, ओके। और यहाँ से लेंगे अब हम स्वीप कमांड, देखिए स्वीप पर क्लिक किया मैंने, मैसेज आता सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, ये सर्कल ले लिया एंटर, सेलेक्ट स्वीप पाथ, ये देखिए अब हेलिक्स पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए एक स्प्रिंग बन गया, इस पर चढ़ गया स्प्रिंग। अब ये इस तरह से है, देखिए आधी स्प्रिंग जो है इसके अंदर है, अंदर इसके मर्ज हुई हुई है और आधी बाहर है। तो अब हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट में जाएंगे, ये रहा देखिए, ये है सब्ट्रैक्ट, सॉरी ये है सॉलिड एडिटिंग में, ये यूनियन है और ये है सब्ट्रैक्ट। वैसे हम चाहें तो अगर SUBT टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कमांड आ जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में पहले ये बड़ा बोल्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद ये जो स्प्रिंग है जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसे सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए आपको ये थ्रेड बना हुआ नज़र आएगा, हालांकि ये थ्रेड प्रोफाइल कोई सर्कुलर होती नहीं है, मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि किस तरीके से थ्रेड बनता है। जो थ्रेड की प्रोफाइल होती है वो ट्रायंगुलर होती है, और उसमें भी जो कॉर्नर्स होते हैं वो फिलेटेड होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से आगे ये जो अनरलिंग वाला पोर्शन है वो हमें बनाना है, तो इसे अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से फ्रंट लिया था मैंने, फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे फ्रंट, सॉरी टॉप ले लिया, यहाँ से फिर लेंगे अब फ्रंट, और यहाँ से राइट क्लिक किया और पैरेलल ले लिया। ओके, अब यहाँ पर हम जो है एक ये मैंने एक लाइन खींची, ये ले ली मैंने कितने की, 1 mm की। ओके, 1 mm की लाइन है ये, ध्यान रखिएगा। अब लेंगे हम पॉलीगन कमांड, POL टाइप करके मैंने एंटर प्रेस किया, नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, 4 ही रखा, एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, ये देखिए ये मिडिल पॉइंट है, ये सेंटर है पॉलीगन का। इंस्क्राइब्ड इन सर्किल लिया और ये इस तरह से इसको लेकर आ गए यहाँ पर। ओके, बीच वाली लाइन को सेलेक्ट करके इरेज कर दिया। अब इसका प्लेसमेंट हमें करना है कहाँ पर, ये देखना है। अननेम्ड पर गए, WCS, ये जो पॉलीगन है इसे हम मूव कराएंगे, मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इसका सेंटर, और इसे हम ले जाकर कहाँ रखेंगे, ये है हमारा टेंजेंट, ये टेंजेंट नज़र आ रहा है, हम पहले क्वाड्रेंट इसका ढूंढ लेते हैं। क्वाड्रेंट हमें ये रहा क्वाड्रेंट, ये देखिए ये है क्वाड्रेंट, यहाँ रख दिया। अब इसे हमें रखना है चूंकि ऊपर की तरफ, तो हमने 0.5 mm का चैम्फर दिया था, इस पर क्लिक किया और ये देखिए ये मिला हमें, इसको हम 0.5 mm ऊपर ले जाएंगे, 0.5। ओके, तो ये जो है बिल्कुल ये जो सर्कल बगैर चैम्फर के था ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, इस पॉइंट पर इसका सेंटर पहुंच जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ से एक हेलिक्स बनाएंगे। हेलिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हेलिक्स पर क्लिक किया मैंने, हेलिक्स पर क्लिक किया तो देखिए दो सेंटर नज़र आ रहे हैं, एक तो ये जो बगैर चैम्फर के है ये वाला फेस, इसे सेलेक्ट करेंगे हम, और दूसरा देखिए ये चैम्फर वाला दूसरा फेस है, तो जो बाहर वाला हमें सेंटर नज़र आ रहा है इसका, इसे हमें लेना है। देखिए सर्कल, ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसकी सर्कमफेरेंस के पास कर्सर को लेकर आएंगे तो सेंटर हाईलाइट होगा। देखिए अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, और अब अगला मैसेज है स्पेसिफाई बेस रेडियस, मैंने लिया 5, सॉरी 5 नहीं लेंगे, एस्केप दबा के कमांड से बाहर निकले। फिर से मैं जा रहा हूँ हेलिक्स में, और ये जो सेंटर है ये सेंटर पर फिर से क्लिक किया मैंने, इस बार बेस रेडियस की वैल्यू होगी 8, टॉप रेडियस की वैल्यू भी होगी 8, और डायरेक्शन होगा ये पीछे वाला, और जो टर्न हाइट है उसके लिए H एंटर, और टर्न हाइट ले लेंगे हम कितना, 40। ओके, अब ये जाएगा इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ, ये इस तरह से। ओके, कि ऐसे ये कर्सर को इस तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा, अब टोटल हाइट कितनी होगी, वो हो जाएगी 10, और एंटर प्रेस किया हमने, तो ये देखिए एक यहाँ पर हेलिक्स बना हुआ हमें दिखाई देना चाहिए, ये रहा, ये देखिए ये हेलिक्स बना हुआ है। ओके, अब यहाँ से हमने पहले तो होम पर क्लिक किया, WCS पर क्लिक किया, ऐसे ये देखिए हेलिक्स यहाँ पर है और ये जो प्रोफाइल बना हुआ है ये इस तरफ है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्वीप कमांड यूज़ करेंगे। स्वीप देखिए यहाँ नज़र आ रही है, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, ये लिया मैंने और एंटर प्रेस किया, और ये है हमारा स्वीप पाथ। ये देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से हमें दिखने लगा। फिर से होम पर गए, ठीक है, अब हमें ये ऑब्जेक्ट मिरर करना है, तो मिरर के लिए MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, अब ये इस तरह से आएगा, देखिए ये क्वाड्रेंट ऊपर वाला और नीचे वाला ये क्वाड्रेंट,
इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, एंटर कर दिया। ये देखिए इस तरह से ये कंट्रोल जेड करके, ये देखिए इस तरह से हमें नज़र आ रहा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने ये ऑब्जेक्ट जो बनाया था, स्वीप किया था, इसे मिरर कर लिया दूसरी तरफ। अब इसके बाद हम इसे पैटर्न करेंगे। तो पैटर्न करने के लिए पहले तो हम यहाँ से जाएंगे फ्रंट व्यू में इस तरह से, और यहाँ पर हम इसे पैरेलल नहीं करेंगे, बस हम व्यू में चले गए। अब इसे फिर ऐसे घुमा देंगे अपने सामने। अब यहाँ से लेंगे हम पोलर एरे, मैसेज आता सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले इसे सेलेक्ट किया, फिर इसे सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। अब यहाँ कर्सर को लेकर गए, ये सेंटर पॉइंट ले लिया हमने इस तरह से, ओके। अब यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स हमने ले लिए कितने, 22 ले लेते हैं, एंटर प्रेस किया, और ये इस तरह से कुछ शेप बन जाएगी वहाँ पर। और क्लोज एरे कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए इस तरह से ये शेप हमें दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है, देखिए कि ये ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, आइसोलेट पर क्लिक किया और हाइड ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दिया, तो ये हाइड हो गया। अब ये देखिए केवल हमें ये जो नर्लिंग वाला पोर्शन था, जो हमने अब ये स्वीप वाला प्रोफाइल बनाने के बाद हमने जो पोलर एरे किया था, ये वही ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन यहाँ पे हम इनको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, टाइप करेंगे GROUP, ग्रुप, ग्रुप कमांड है ये। ग्रुप पर क्लिक किया, अब ये ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, अब ये एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। अब हम राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट पर गए और यहाँ से एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन कर दिया, तो ये हम फिर से दिखाई देने लगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करेंगे हम, ये देखिए सब्ट्रैक्ट पर क्लिक किया मैंने, बड़े ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, एंटर, और ये जो ऑब्जेक्ट है स्वीप वाला इस पर क्लिक किया और एंटर प्रेस किया। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, क्योंकि वायर फ्रेम में होगा तो उतना ज़्यादा समय नहीं लेगा, अभी रियलिस्टिक में है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए दोस्तों इस तरह से ये, इसको हम एक तरह से डायमंड नर्लिंग भी कह सकते हैं, ये फेस जो है इस पर नर्लिंग क्रिएट हो जाती है, ओके। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ऑटो कैड पर 3D मॉडलिंग को उतना ज़्यादा जो है महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप नहीं है जो, और हम कोशिश करें और ऑटो कैड 3D पर ना बन सके। मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी कंपोनेंट्स मैं बाकी सॉफ्टवेयर्स पर बनाता हूँ, उन्हें ऑटो कैड 3D पर बनाने की भी कोशिश करूँ, और अभी तक मैं कामयाब होता आया हूँ। कोशिश करूँगा कि आगे भी ऐसा कर पाऊँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के लिए अगर आपकी कोई कोई कमेंट हो, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।